वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ चिकन मोमोज और तीखी वाली चटनी। वाओ, तो आज बनने वाला है मोमोज, वो भी चिकन वाला। अम्मी तो वेज में बना रहे हैं। तो वेज में बनाने जा रही थी लेकिन मेरे पीछे पड़ गया ना चिकन लेके। जब मोमोज बना ही रहे तो वेज बना के क्या मतलब? चिकन नहीं, पसंद नहीं, ऐसा नहीं है, वेज वालों को तो वेज भी बहुत पसंद है। इंशाल्लाह आप लोग कमेंट्स करेंगे ना तो मैं वेज का भी लेके आऊंगी। हाँ, लेकिन देखो भाई, जो चिकन मोमोज खाता है वो सच्ची सच्ची बताना, चिकन मोमोज खाने कितना मजा आता है ना। यानी कि कभी भी ऑप्शन में मिल जाए ना दो तीन आइटम, तो उसमें से तो मैं मोमोज ही पसंद करूँ। और बाहर ज्यादातर मैं मोमोज ही ढूंढता हूँ कि कहाँ मिले। और अभी तो फ्राइड मोमोज भी आ गया है। अभी हम लोग माथेरान गए थे, वहाँ पे भी हम लोग मोमोज ही खाए। और मोमोज खाने का एक बोलते ना, जब चटनी मिल जाए ना, देखो मोमोज कहीं भी खाओ लेकिन जब तक चटनी मजेदार नहीं होती ना तो मोमोज खाने में इतना मजा नहीं आता है ना। तो चटनी ना एकदम बहुत बोलता है, बार बार बनवाओ बनवाओ बनवाओ। तो चटनी ना एकदम मस्त वाली बनाना है। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे के चिकन मोमोज बनाने के लिए हमने क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम चिकन, मैदा, अदरक लहसुन का पेस्ट, कोथमीर, हरी मिर्ची, प्याज, शिमला मिर्ची, टमाटो सॉस, टमाटे, सोया सॉस, काली मिर्ची की बुक्की, लाल मिर्ची, तेल, लहसुन, विनेगर और शक्कर। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले ली हूँ और एक कप आटा ली हूँ, मतलब एक कटोरी। और इसको हम एकदम सिंपल तरीके से ही गूंदेंगे, इसमें कोई अजूबा नहीं है। मोमोज का आटा है करके नमक डालेंगे हम हमारे जितना हमको लगता है। अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच तेल, इसमें तेल भी कोई ज़्यादा डालना नहीं है। और इसको सिर्फ गूंदना क्या है, ठंडे पानी से, फ्रिज का ठंडा पानी, नॉर्मल पानी नहीं, एकदम ठंडे पानी से गूंदेंगे तो आटा हमारा सही हो जाएगा। कितना ग्राम रहेगा ये आटा? ये 100 ग्राम होगा, ज़्यादा नहीं। और इसको ठंडे पानी से हम गूंद लेंगे। मैंने एकदम बर्फ़ वाला पानी ली हूँ, ठंडा, फ्रिज का। और नरम नहीं गूंदना है, एकदम नरम नहीं गूंदना है और एकदम सख्त भी नहीं गूंदना है, समझे? मीडियम मीडियम आटा गूंदना है हमको, क्योंकि हम अब इसको आटा गूंद के 10-15 मिनट रख देंगे ना तो फिर वो सेट हो जाएगा, नरम हो ही जाएगा थोड़ा। तो देख रहे आप लोग, आटा मैंने गूंद ली हूँ। अब हम इसको रख देंगे ढक के। देखिए इतना नरम है मेरा आटा, ज़्यादा नरम नहीं है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट तक ढक के रख दूंगी, ठीक है? तो चलो अब क्या करेंगे हम, मोमोज में जो भरने वाली चिकन है ना, हम वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना 200 ग्राम चिकन ली हूँ, एकदम उसको छोटे छोटे पीस कर ली हूँ हाथों से कटिंग करके। अब मैं इसको अच्छे से मिक्सर में बारीक पीस के लेके आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चिकन को बारीक पीस ली हूँ, ठीक है? इसको मैं निकाल लूँगी अभी इसी तरीके से। अब हम इसमें मसाला मिला देंगे। तो यहाँ पर मेरे चिकन को मैं सबसे पहले डालूँगी नमक, ठीक है? नमक मैं मेरे हिसाब से डाल रही, आप लोग अपने हिसाब से डालना, ठीक है ना? अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब डालेंगे इसमें हम एक छोटे साइज की प्याज ली हूँ मैंने, बारीक काट के, आप भी ले लेना। हरी मिर्ची मैं इसमें ली हूँ 3 से 4, आप अपने तीखेपन के हिसाब से ले लेना। और यहाँ मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्ची बारीक काट के। अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो ना डालिए। और अगर आपके हिसाब से अगर वेजिटेबल इसमें थोड़ा और मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, ठीक है? ये आपकी पसंद के ऊपर है। अब डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्ची। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच सोया सॉस, ठीक है? अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कोथमीर। अब इसी के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच तेल, थोड़ा सा और, ठीक है? अब ये हो गया है। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन में हमारे नमक अच्छे से पहुंच जाए, सोया सॉस सब अच्छे से लग जाए, ठीक है? तो देख रहे आप लोग, इसमें सब मैंने पूरे मसाले अच्छे से मिला ली हूँ।
अब हम इसको भी रख देंगे एक 10 मिनट ढक के। तो चलो देखते हैं, आटे को 20 मिनट हो गए पूरे, है ना। अब क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा मसल लेंगे, एक 2 मिनट के लिए आटे को मसल लेते अच्छे से, फिर छोटे 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 पेड़े बना लेंगे। तो अभी मैंने इसको 2 मिनट अच्छे से मसल ली हूँ, आटा अच्छा खिंचाव वाला हो गया है ना। अब हम इसके छोटे 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 पेड़े बना लेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग, पेड़े मैंने बना ली हूँ। इसको अभी हम क्या करेंगे, एक पेड़ा ले लेंगे और इसको ढक के रख देंगे साइड में। अब हम इसको ही बेल लेंगे, थोड़ा सा आटा लगा लेंगे हल्के हाथ से और बेल लेंगे, ठीक है। और जो इसकी कोर है इसको हमको पतला ही बेलते जाना है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं आप लोग, मैंने इसको पतला ही बेली हूँ, एकदम रोटी से भी पतला, ठीक है। अब हम इसमें हमारा चिकन डालेंगे, चिकन अपने हिसाब से लेना। अब हम इसको थोड़ा डिजाइन बना देंगे, इसकी डिजाइन बनाएंगे हम ये नोक पे, ठीक है। फिर लेंगे ये नोक पे, इसको इसी तरीके से बनाते जाएंगे। ये कोई भारी नहीं है, मोमोज बनाना बहुत लोग सोचते बहुत भारी काम है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसका ना जो ये डिज़ाइन है, अरे ये तो हर औरत बना लेगी, साड़ी की मीरी तो रहती है ना, डालते हो ना आप लोग, बस वैसा ही रहता है, छोटे बच्चे भी बना लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये इस तरीके से बना लिए, अब क्या करेंगे हम इसको और इसको, ये आटे को दोनों को जोड़ लेंगे। बहुत इजी तरीके से बनता है मोमोज बनाना, कोई भारी काम नहीं है। बस ये जॉइंट है ना, बस इसको चिपकाने वाला बस काम आपका थोड़ा सा बराबर रहना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। ये हो गया मेरा मोमोज रेडी। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ा और बेल ली हूँ, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से आपको बताती हूँ। अब इसको मैं गोल बनाऊंगी, है ना। इसको भी उसी तरीके से करना है, बस इसकी मीरी जो है छोटी छोटी डालना है, उसको हम चौड़ी चौड़ी डालते हैं ना, बस इसकी छोटी छोटी डालना है। बहुत मस्त बनेगी। और डिजाइन जो देखो मोमोज में ना, मेरे ख्याल से तो मायने नहीं रखता है, रखता है क्या रियाज? नहीं नहीं नहीं, चटनी अच्छी रहनी चाहिए, चटनी और इसका टेस्ट अच्छा रहना चाहिए। ये हो गया हमारा मोदक स्टाइल मोमोज, है ना। ये भी बहुत मस्त लगेगा। अगर जिसको वो पहला वाला डिजाइन नहीं आता है, वो इस तरीके से बना लेना, ठीक है। तो देखो ये मैं तीसरे तरीके से बता रही हूँ आप लोगों को बना के। ये हो गया मेरा तीसरा तरीका, कौन सा मालूम, एक करंजी वाला, जो मैंने बताई थी ना कुंडे की नियाज में करंजी, बस वो स्टाइल में बनाएंगे हम मोमोज। मोमोज ही खाना है ना हमको, डिजाइन तो आप अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं, बस चटनी अच्छी रहे। रियाज पड़ गया है पीछे, बस चटनी अच्छी रहनी चाहिए। आप मोमोज कोई भी स्टाइल में बनाइए, ये हमने करंजी स्टाइल में मोमोज तैयार किए हैं, है ना। अब हम इसको भी रख देंगे इस तरीके से, मैंने यहाँ छन्नी में रखते गई हूँ एक एक एक, क्योंकि हमारी एसी चालू है ना, तो वो कड़क नहीं होना चाहिए, इस पर पपड़ी नहीं जमना चाहिए, इसलिए ढक के रखना जरूरी है। तो चलो, हमारे पास तो वो स्टीमर है नहीं जिसमें हम मोमोज बनाते, तो हमने घर का ही बना लिए है। तो मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी डाल दी हूँ और ये छन्नी ले ली हूँ, ठीक है। तो अब ये छन्नी को मैं क्या करूँगी, पहले आराम से इसमें तेल लगा लेंगे हम। ये कौन सी छन्नी है, कौन सी छन्नी है, चावल छानने की छन्नी है, अच्छा है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई भी जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे पहले रख देंगे और इसके ऊपर हम एक 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 हमारे मोमोज रखते जाएंगे। बिस्मिल्लाह, इस तरीके से मोमोज बड़े बड़े ना मोमोज, हाँ मजा आ जाएगा ना। तू ही बोला बड़े बड़े, बड़े बनाओ, छोटे छोटे मत बनाओ, है ना। अब हम इसमें से भी एक रख लेते हैं, गोल वाला रखूं, बीच वाला बड़ा,
ये ना डिजाइन बन गया ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इस पे रख देंगे हम गर्म पानी पे। बिस्मिल्लाह, चालू हो गया स्टीम। हाँ, स्टीम चालू हो गया है। अब हम इसको अच्छे से ढक देंगे और इसको 15 मिनट तक पकने देंगे। ठीक है, अब ये 15 मिनट तक पक रहा है जब तक हम इसकी तीखी चटनी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चटनी के लिए पानी रख दी हूँ, 1.5 गिलास पानी डाल दी हूँ इसमें। अब हम हमारे टमाटे को अच्छे से ये निकाल लेंगे और इसको 2 टुकड़ा करके इसमें डाल देंगे। ठीक है, बॉईल होने के लिए ये निकाल लेना और इसको हम बॉईल होने के लिए डाल देंगे। उसी के साथ साथ हम ये तीखी वाली लाल मिर्च, ये तीखी वाली लाल मिर्च है। हाँ, कितना? 3 4 4। ये बेड़गी वाली कश्मीरी वाली नहीं है, ये तीखी वाली है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तो 5 मिनट मैंने बॉईल कर ली हूँ मिर्ची और टमाटे। अब हम गैस कर देंगे बंद। जब देखो ये छिलटे अगर आपको टूटे हुए नज़र आए ना, तो फटाफट गैस बंद कर देने का, क्योंकि हमको ये छिलटे ही तो उतारना है ना टमाटे पे से। अब हम मिर्ची और टमाटे सब निकाल लेंगे। तो देख रहे आप लोग, छिलटे मैंने टमाटे के निकाल ली हूँ और ये हम मिक्सर में इसी तरह डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें एक छोटा सा प्याज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको इसी तरीके से पीस के लेके आती हूँ। तो देख रहे आप लोग, मैंने लाल मिर्ची और टमाटे पीस ली हूँ। अब क्या करेंगे, 15 मिनट हो गए हमारे मोमोज को चढ़ाए हुए इधर, तो हम ज़रा इसको भी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह, हाँ ये तो तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्के हाथ से उठाएंगे और नीचे रख देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे इसको। ठीक है, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हम चटनी तैयार कर लेते हैं, है ना। मैं यहाँ 2 चम्मच तेल डाली हूँ। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लहसुन डाल देंगे। मैंने यहाँ 6 से 7 कली लहसुन ली हूँ। लहसुन ज़्यादा ही लेना, तभी ही चटनी मज़े की लगती है। ठीक है, इसमें बहुत से लोग अदरक भी डालते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप डाल देना, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। अब क्या करेंगे, हम इसमें ये हमारा जो टमाटर और मिर्ची पीस के रखे हैं ना, ये भी डाल देंगे। मैंने शेजवान चटनी भी बना के मेरे चैनल पे डाल चुकी हूँ। अभी इसको हम थोड़ा देर पका लेंगे ताकि हमारा थोड़ा टमाटे का कच्चापन निकल जाए। ऐसे तो हमने पका के लिए है फिर भी। तो यहाँ पर मैंने 2 मिनट तक पका ली हूँ चटनी को। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सोया सॉस, है ना, और इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम 1/2 चम्मच विनीगर और यहाँ डालेंगे 1 चम्मच केचप। अब बोलेंगे केचप क्यों डाल रहे हैं आंटी, टमाटर तो पीस के डाले। ये डालना बेटा, बड़े मज़े के लगेंगे आपका चटनी। और यहाँ डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और इसी के साथ डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच शक्कर। ठीक है, थोड़ी चाय पत्ती भी डालेगी ना? नहीं नहीं बहुत कम ही ना है अब ये चटनी मस्त लगेगी आपको। ठीक है, तो हो गई मेरी चटनी तैयार, बहुत मस्त है और बहुत जल्दी बनती है ये चटनी। ठीक है, और मोमोज भी देखा जाए तो बहुत जल्दी ही बनते हैं, बस खाली उसको भरने का और उसको डिज़ाइन बनाने का उतने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी वो भी देखा जाए तो 2-3 जन बैठे तो बहुत जल्दी बन जाता है। ये हो गई मेरी मोमोज की चटनी तैयार। तो यहाँ पर मेरे मोमोज ठंडे हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। बड़े इजी तरीके से निकलते हैं, कोई इससे टेंशन वाली बात नहीं है, बड़े प्यार से निकलते हैं। इसको बस थोड़ा सा ठंडा होने देना। हाँ, और यहाँ पर मेरी चटनी भी तैयार हो गई है, देख रहे ना आप लोग कितनी मज़े की। हाँ, यहाँ मेरे मोमोज भी तैयार हो गए हैं, चटनी भी तैयार हो गई है। ठीक है, ये मोमोज और चटनी रेडी। तो दोस्तों, तैयार हो गए अपने चिकन मोमोज, वो भी स्टीम वाले। अभी आप इसको फ्राई करके भी खा सकते हो, है ना।
वैसे हमने इसमें ज्यादा नहीं निकाला, सिर्फ पांच ही निकाले, क्योंकि बाकी के निकालेंगे तो क्या ये पांच खाए तक वो दूसरे ठंडे हो जाएंगे। और मोमोज ना गरम गरम खाने मजा आता है। हमारे घर में मोमोज सबको पसंद है। हाँ, बाकी ये दूसरा रीजन ये भी कि वो लोगों के लिए भी रखना है थोड़ा ऐसा, सब इसको निकाल के। हाँ, फिर मैं तो फिर पता सब थकड़ थकड़ खा के खत्म। और साथ में मम्मी ने मस्त वाली मोमोज की चटनी भी बनाया है, जो कि मोमोज की जान होती है। और आज तो भाई मेरी इतनी मतलब इतना किस्मत खुल गई है, साथ में मैंने मेयोनीज भी निकाल के दे दी है। नहीं तो बिरयानी बनाएगी तो कुचुंबर नहीं मिलता है। ये मेयोनीज के साथ में आप है ना टमाटो केचप थोड़ा डाल के, और जो मैंने ये तीखी वाली चटनी बनाई ना ये एक चम्मच डाल के इसको मस्त मिला देना, बन जाएगी इतना मस्त आपको टेस्ट आएगा ना, ये तीखा तीखा मेयोनीज बहुत मजे का लगेगा। ठीक है, वैसे तो देखो मोमोज के साथ ये दोनों चटनियां आती ही है, यानी कि एक चटनी और एक मेयोनीज, और ये दोनों को मिक्स करके खाने में भी बहुत मजा आता है। तो यार आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप कहाँ खाते हैं और आप लोगों को कहाँ कहाँ मोमोज अच्छा लगता है ना। तो चलो फिर अभी बिस्मिल्लाह, आहा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, ठीक है बाहर से ये देखो एकदम मजे के बने हुए हैं। ओहो चिकन भी पक गया मम्मी, तो चिकन पकेगा ही ना बेटा, उसका अपन ने एकदम 15 से 16 मिनट पका स्टीम में तो गलेगा, वो बारीक पीसे हुए भी है हमने। चटनी देखो भर गया एकदम, लो बिस्मिल्लाह। मैं तो ये लूंगा खा गया। वाह ये देखो चटनी, वरना चटनी पहले मैं भर के लूंगा, तीखी रही तो बात अलग है। नहीं तीखी नहीं, एकदम तेरे हिसाब में बनाई हूं। वाह सही में मुझे मजा आ गया। मोमोज तो एक नंबर का एक नंबर, और दो नंबर ही चटनी है, बहुत ही मस्त मजेदार। वैसे तो ना मैं जब कोई शॉप पे आता ना तो पहले मेयोनीज के साथ खाता, लेकिन आज मैं चटनी के साथ ही खाऊंगा, बहुत एक नंबर बना ले। आप देखो मोमोज बनाओ चाहे मत बनाओ, लेकिन ये चटनी एक बार जरूर बनाना है, मजा आ जाएगा। मत बनाओ सही है। मेरा बेटा खुश हो गया। अच्छा और नहीं निकालेंगे तो वो भी यही। मैं तो वेज वाले बनाने वाली थी, पीछे पड़े। हाँ अभी मोमोज बना रहे, मैं सोच रहा वेज वाले क्यों बना रहे। चिकन बोले अभी चलो मान लो जो वेज में बनाना है तो वो भी बता दो कैसा बनाने का। हाँ फीलिंग चेंज होगी इसमें और। हाँ, कुछ नहीं होगी, पत्ता गोभी जाएगा, गाजर जाएंगे, शिमला मिर्ची जाएंगी, प्याज जाएगा, ये चार पांच चीज जाएगा। और मसाले वही जाएंगे जो मैंने डाली, सोया सॉस, काली मिरी, नमक और एक चम्मच तेल। आपकी फीलिंग तैयार होगी वेज की भी, ऐसा कुछ नहीं है कि वेज में बहुत भारी है, अपने पसंद की सब्जियां लेना है उसमें बस। और अब मैंने ना एकदम एक्चुअल मेयो रखे ले, देखो गिरेगी नहीं मेयोनीज, मैंने दुकान पे कैसी मेयोनीज एकदम पतली रहती पानी टाइप। यही बात होता है अपने घर में बना के खाने का और बाहर से लाके खाने का, इसको दोनों भी बना के। और जो मैंने डिजाइन बनाया है मजा आती है, इसी तरीके से आप बना लीजिए और है ना मीडियम फ्लेम पे रख के फ्राई कर लीजिए। फास्ट आंच पे नहीं रखना, एकदम मीडियम फ्लेम से लेके लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना, ताकि आपके चिकन अंदर से पक जाए और ऊपर से ये कुरकुरे हो जाए। एकदम फास्ट पे डालेंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर का चिकन कच्चा रह जाएगा। और अम्मी ने इसी तरह स्टीम करने के टाइम पे भी 2 से 3 मिनट एकदम फास्ट पे रख देना, और फिर उसको 10 से 12 मिनट के लिए आप स्लो पे मीडियम पे रख के स्टीम करना, तो आपके चिकन उसमें भी। और अम्मी ने मोमोज का तरीका भी 2 से 3 वैरायटी में बताया अलग अलग तरीके में, तो जो आपको इजी लगे वो आप बनाना। ठीक है, नहीं आपको इजी लगे तो आप करंजी के जैसा फोल्ड कर लो और अपने फोक से दबा दो, वो तो घर के किसी भी किसी को इंसान को आ जाएगा ना। तो इस तरह डिजाइन बहुत मस्त बना रहे, बहुत मस्त। मेरे लिए तो शॉप फेल है ये मोमोज के सामने, बहुत अच्छा बना है। मजा मेरे बच्चे को मजा आ गया, मतलब मैं वैसे तो अम्मी ने ये मोमोज ज्यादा अपने घर में नहीं बनाते, जीनी आपा बनाती मेरी बहन है ना, वो उसको स्नैक्स में कुछ भी बोलो फटाफट बना लेती है। मस्त, मेरे को तो मजा आ गया, तो सब खत्म करो। तुम खाएंगे नहीं? नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तू ही खा। तो भाई माँ को ना बना के बच्चों को खिलाने में मजा आता है ना, वो बात खाने में नहीं आती। नहीं, मैं ऐसा मैं जरा देते रहने का बना बना के। तो भाई वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और इस मोमोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, यानी कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और मोमोज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मेरे को कमेंट्स आए थे कि मोमोज बना, मोमोज बनाओ, ये नहीं आए थे कि वेज के बनाओ या चिकन के बनाओ। तो भाई चिकन के ऐसा बोले करो, चिकन के मोमोज बनाओ ऐसा। मैं अपने हिसाब से ला रही थी वेज। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका। ठीक है, और आपको कौन सी डिश और चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहना। ठीक है, देर सवेर मिल ही जाएगी, नंबर आ ही जाएगा। हाँ। क्योंकि ना बहुत सी डिश ऐसी रहती है जो ज्यादा मांग रहती है, मुझे वो देखना पड़ता है। अगर आपको भी जो चाहिए आप
कमेंट्स करते रहना, ठीक है। जो भाई हमारे चैनल पे नया जुड़े हैं, सब्सक्राइब ही नहीं किया, सब्सक्राइब करना बोलो। करेंगे करेंगे मेरे बच्चे। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो। और जो ऐसे ही देख के निकल जाते हैं वो लाइक भी करो, लाइक कर भी चले आओ। हाँ। और जिसको हमारा नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वो जरा घंटी भी दबा दो। हाँ, ताकि आप, है क्या आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हाँ। ठीक है, चलो अब चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज, बाय बाय। याद रखना मोमोज बना के खाना।